ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम पाइथन में आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बुक हम आप लोगों को देना चाहेंगे। जी हाँ, क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस छोटी मोटी चीजें नहीं, क्योंकि आपने जो भी प्रोग्रामिंग की है उस सारी प्रोग्रामिंग का जो इंटरफेस होगा, फ्रंट एंड होगा, वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए ही होगा, जैसे कि आप समझ सकते हैं। इसलिए ये देखिए, एक प्रोग्रामिंग का एक बुक है जो कि 400 पेजों का है, वो मैंने देखा दिया हूं मैं, आप इसमें एक बार जरूर देखिए। तो बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिसके जरिए हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करते हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स, जैसे कि एक है आपका पाई क्यूटी फाइव, एक मिनट पाई ये ओपन करते हैं, वीएस कोड, वीएस कोड में मैंने यहाँ पे ओपन फोल्डर और 10 PM का फोल्डर ओपन कर दिया, न्यू फाइल, और यहाँ पे GUI.py। तो बहुत सारे ऐसे हैं, क्या बोलते हैं, एक मिनट छोटा, तो GUI जो है बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स है जिसके जरिए हम GUI लेते हैं। कौन कौन मॉड्यूल से चलिए बात करते हैं। सबसे पहला आता है आपका PY QT5, ये मॉड्यूल्स है जिसके जरिए हम ग्राफिकल यूजर यूज करते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है TK इंटर, ठीक है। उसके बाद एक और आता है, वो आता है कीवी, फिर आता है WX पाइथन, फिर आता है यहाँ पे लिबवैग, VG होता है लास्ट में। उसके बाद आता है आपका सबसे, और भी सेकेंड सबसे हम TK, अब बहुत सारे बुक्स में आपको TK इंटर ही मिलता है, लेकिन बहुत सारे जगहों पे आप देखेंगे कि जहां पे एक्सेल और डेटाबेस के साथ जो कनेक्टिविटी होता है उसमें होता है PY सिंपल GUI, PY सिंपल GUI। उसके बाद यहाँ पे आता है पाई कॉम, ये भी पॉपुलर है। फिर आता है यहाँ पे वैक्स, फिर आता है यहाँ पे पाई साइड टू एंड पाई GUI। ये सारे क्या है, ये सारे मॉड्यूल है जिसमें हम अपनी पाइथन की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की रूटिंग करते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है TK इंटर है, उसके बाद आपका पाइफॉर्म भी यूज होता है, लेकिन पाई सिंपल GUI इसका यूज होता है। आपने मैंने एक वीडियो भेजा था आपको जिसमें हमने एक फॉर्म बनाया था जो कि एक्सेल के अंदर डेटा टाइप करता था, जो टाइप करके सबमिट करने को एक्सेल सीट के अंदर ज्यादा डेटा डालता था, वो हमने उस केस में हमने यहाँ पे पाई सिंपल GUI का यूज किया था। देखिए हम शुरू करेंगे TK इंटर से। जी हाँ, TK इंटर, यहां पे लिखते हैं कि फ्रॉम TK इंटर इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये इनबिल्ड है, इसको आपको डाउनलोड करना नहीं पड़ता है, ठीक है ना, पिप नहीं करना पड़ता। यहाँ पे लिखा स्टार, इसका हम यहाँ पे लिखा TK फ्रॉम TK इंटर इंपोर्ट स्टार, इसका मतलब ये हुआ कि हम TK इंटर का जो मॉड्यूल है उसका सारे के सारे कंपोनेंट को इंपोर्ट कर, ठीक है। अब यहां पे मैंने एक सिंपल सा आर इक्वल टू TK ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया, रूट इक्वल टू TK, तो TK को इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब रूट की जगह पे हम आर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन TK का टी हमेशा बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा TK का टी हमेशा बड़ा होगा। अब इसकी जो TK हमने यहां पे कर दिया, अब इसको यहां पे हम अगर इसको रन करें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए इसमें एक कोड और ऐड करते हैं, देखते हैं
आर द मेन लूप बाय ओपनिंग टू क्लोज। अब देखिए दिखा, तो ये जो टीके हुआ वो क्या हुआ, हमने कॉल किया, टीके से हमने क्या किया, कॉल किया, तो हुआ। और जो आपका जो विंडोज है तभी रन होगा जब आप उसको मेन लूप को कॉल करेंगे। जी हाँ, मेन लूप को जब कॉल करेंगे तभी वो विंडोज के फॉर्म में आएगा, अदरवाइज उसके विंडोज के फॉर्म में नहीं आएगा। तो ये आ गई हमारी ग्राफिकल इंटरफेस। इस पे हम आगे बटन वगैरह और बाकी चीजें जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है वो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब चलिए इसकी हम साइज वगैरह को देखते हैं। तो इसमें हम मान लीजिए कि हमने मतलब टाइटल सेट करना है, तो यहाँ पे आर डॉट हमने दिया टाइटल, टाइटल यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं आईपीटी एक्सल स्कूल। इससे क्या होगा कि जैसे मैं रन करूंगा ये आपका विंडो आएगा और विंडो में ऊपर देखिए तो आईपीटी लिखा हुआ था, बड़ा होगा तो दिखता है आईपीटी एक्सल स्कूल, फिलहाल तो सिर्फ आईपीटी दिख रहा है क्योंकि तो हमने टाइटल डाला है। अब बड़ा है तो जाहिर सी बात है इसकी साइज बढ़ाना होगा, तो आर डॉट ज्योमेट्री क्या लिखना है, ज्योमेट्री, और यहां पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप साइज दे दीजिए, 400 बाई 400 x 300 कर दिया तो क्या आएगा, ठीक है सर, तो 400 x 300 कर दिया, तो साइज 400 इसका क्या हो गया, विड्थ हो गया, 300 इसकी हाइट हो गई। ठीक है, अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो आइकन आपको दिख रहा है, ये आइकन दिख रहा है इसमें, इस तरह का आइकन दिख रहा है, मैं चाहता हूं इसी इसका आइकन भी मेरे हिसाब से, आइकन क्या हो मेरे हिसाब से, तो इसके आइकन भी सेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आइकन जो सेट करना है उसका मुझे फोटो होना चाहिए, आइकन का फोटो। तो पिक्चर्स में आते हैं, देखते हैं कुछ ऐसा है। इसे ओपन, ये आइकन आईपीटी है ना, इसी को लेते हैं, प्रिंट स्क्रीन करते हैं। ब्लैक सिस्टम प्रिंट स्क्रीन को सेव कर देता है, यहां पे देखिए कैमरा रोल में स्क्रीनशॉट में मैसेज हो गई, इसका हम लोगों के नाम से कर देते हैं लोग, और राइट क्लिक करके मैं इसका, लेकिन ये इसका आईसीओ फॉर्मेट में होना चाहिए, किसमें सेव होना चाहिए, आईसीओ फॉर्मेट। तो ओपन विथ हम पेंट करते हैं, पेंट, और इसको सेव एज करते हैं फाइल के अंदर। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं लोगो डॉट आई सी ओ फॉर्मेट में सेव कर दूं। उसके बाद इसको बैक कर यहाँ देखते हैं कहाँ पे मेरा फोटो है, चला राइट क्लिक, कॉपी इज अ पाथ, और यहां पे डालेंगे। तो यहां क्या डालेंगे, यहां लिखेंगे हम आर डॉट डब्ल्यू एम आईकॉन करके यहां पे आएगा, अंडरस्कोर आईकॉन, यार आईकॉन बिटमैप, आईकॉन बिटमैप, और इसके अंदर हम अपना पाथ दे देते हो। इसको रन करते हैं। ओ तो ये कहीं किसी और का पाथ नहीं उठाएगा, इसमें सिंगल कोट चेन लगेगा।
नहीं, इमेज नहीं ले रहा इसीलिए। ओके बोलिए। फोल्डर में हाँ वही तो मुझे लग रहा है, तो ही करना पड़ेगा, तो मैं डी ड्राइव के अंदर आता हूँ। एस एल पाइथन टेन, ठीक है, बट वो पिक्चर सही से दिख नहीं रहा ना, पता नहीं क्यों, लेकिन दिखना चाहिए था। हालांकि वो स्लैश जो था वो हट गया यहाँ पे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 800 बाई 600 कर देता हूँ इस साइड, तो ये पिक्चर सही से, फॉर्मेट लग रहा है सही नहीं है इसका, आंसर नहीं है। हालांकि इससे रीड कर लिया फाइल को, एरर नहीं दिया है, तो आइकन यहाँ शो नहीं कर, हो सकता है आइकन काफी बड़ा हो उस कारण सोना कर रहा, छोटा कर सकते हैं तो शो करें। ठीक है, तो आपने सीखा कि आप ग्राफिकल इंटरफेस कैसे लाएंगे, फिर हमने उसकी टाइटल देना सीखे, उसके साइज को फिक्स करना सीखा, उसके ऊपर लोगो डालना सीखा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब इसमें हम देते हैं इसका हिंट, ये तो हमने विंडोज बना दी, इसमें हम जो है कलर्स वगैरह यूज कर सकते हैं, थीम वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम इसका कैनवस यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कैनवस। यहाँ पे लिखते हैं सी इक्वल टू कैनवस, कैनवस कैनवस के अंदर में हम देते हैं हमारा आर, आर के बाद यहाँ पे हमें इसका देना है कि इसका बीजी जो है, बीजी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम दे देते हैं ब्लू, बीजी हमारा ब्लू होना चाहिए। और इसकी जो हाइट है, हाई हमने बोला कि 700, और यहाँ पे विड्थ जो है, विड्थ इक्वल टू हमने मान लीजिए 1200। और फिर यहाँ पे इसमें एक चीज और, यहाँ पे कर्सर है, कर्सर इक्वल टू हमने यहाँ पे पेंसिल दे दिया है, पेंसिल। और फिर यहां हम देते हैं सी डॉट पैक, ये देखिए
अभी समझिए कैनवस क्या है। तो बेसिकली जो हमारा इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह है वो कैनवस के अंदर करेंगे। किसके अंदर करेंगे? कैनवस के अंदर। तो ये हमने यहाँ पे लिया कि कैनवस जो है, कैनवस एक इसके ऊपर कैनवस करना है, किसके ऊपर करना है? तो कैनवस करना है आर के ऊपर, ठीक है। कैनवस किसके ऊपर करना है? आर के ऊपर करना है। अब जानते हैं कि कैनवस होता क्या है, एक बार उसके बारे में जान लेते हैं कि कैनवस होता क्या है। कैनवस को हम लोग एक रेक्टेंगल एरिया कहते हैं कि कैनवस इज ए रेक्टेंगल एरिया विच कैन बी यूज द ड्राइंग द पिक्चर लाइक लाइन सर्कल पॉलीग्राफ एक्सेट्रा। तो क्रिएट द कैनवस विच शुड बी द क्रिएट द ऑब्जेक्ट कैनवस क्लास, ठीक है। तो जब आप अपने जीआई के ऊपर में अगर कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, कुछ अलग स्ट्रक्चर करना चाहते, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए कैनवस, जैसे फोटोशॉप में लेयर लिया जाता है वही यहाँ पे कैनवस लिया जाता है। तो हमने कैनवस लगाने का तरीका बताया कि यार कैनवस, कैनवस में आर, क्योंकि ये कैनवस किस पे रूट होगा? तो कैनवस जो होगा आर के ऊपर होगा, क्योंकि हमारा टीके जो है आर के ऊपर स्टोर है, राइट, आर के ऊपर होगा। और उसके बाद उसकी बैकग्राउंड ब्लू होगी, उसकी हाइट और विड्थ मैंने सेट कर लिया, उस पर कर्सर पेंसिल की तरह दिखेगा। तो कर्सर हमारा होगा वो पेंसिल की तरह दिखेगा। बार बार भी वही है जो कि हमने यहाँ पे किया, बट यहाँ सी डॉट पैक देना जरूरी है, तभी ये जो कैनवस आपने डिजाइन किया है वो कैनवस आपके आर के ऊपर लोड होगा, ठीक है। उसके अंदर देना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पे लाइन रेक्टेंगल वगैरह भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये चीज हम आपको कल की क्लास में करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बुक भेजा है, आप एक बार उस बुक को भी देखिए, उस बुक के अंदर टीके एंट्री के बारे में अच्छा खासा बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको जीआई को पढ़ने में तकरीबन 3-4 क्लास लगेगा, क्योंकि बड़ी टॉपिक है। इसमें आपको बटन्स वगैरह, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, और इसके अंदर में लिस्ट बॉक्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर आपको पढ़ाया जाए, ठीक है। थोड़ा सा लंबा चलेगा। आप जो है आप उसकी जो मैंने भेजा है लिस्ट, जो पीडीएफ भेजा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, कल हम इसके आगे बढ़ेंगे आपके साथ, ठीक है।